व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? आपको क्यों नहीं, क्यों 13-14 महीने के साथ कंटिन्यू नहीं करने दिया गया मजीद? अगर बलदियाती इलेक्शन होने ही है तो फिर व्हाई नॉट विद द मुर्तजा भाब? ये आप पूछें हल सिर्फ जमात इस्लामी से। वो जो ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे तस्वीरें खिंचवाते हैं, बिलबोर्ड लगाते हैं, उनसे पूछे रोज। मैं देखता था उनको मुर्तजा भाब फोबिया वगैरह, रोज सुबह 10 बजे 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अच्छा? और कहते हैं मुर्तजा भाब को हटा दो। कभी जमात इस्लामी ने हटवा दिया, इतनी ताकतवर है। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं, मैं हटवाने की तो मैं वजह आपको सच से भी बयान करूंगा। अच्छा, वो तस्वीरें भी हैं लेकिन जो ऐसे थी ऐसे जी, थी वो। और वो ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम शहर को ठीक करेंगे और बिलबोर्ड्स पे अपनी तस्वीरें लगा देते हैं। शहर को ठीक करने का क्लेम तो पीएसपी का है, वो कहते हैं। हर कोई कहता है लेकिन वो कीलें ठोक के सड़कों पे जो है ना अपने वो शामियाने लगा देते हैं। तो ये तो सियासी नुक्ताचीनी थी। अच्छा, बिकॉज 15 जनवरी को इलेक्शन अब होने हैं बलदियाती, तो जो सियासी नुक्ताचीनी थी वो बढ़ती जा रही थी। और हमने ये मुनासिब समझा कि ये लोग 15 जनवरी को जब इलेक्शन लेट से हार जाते हैं तो इनके पास एक जवाब होगा तनकीद करने का, जी मुर्तजा वहां बैठा हुआ था, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर था, इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाया। नंबर एक। नंबर दो, सना देखें, मैं बरमला ये बात कहता हूँ कि जिस इदारे का जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। बल्दियाती इदारों में ये जो बार बार इंटरफेरेंस होती है ना, चाहे मेयर हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई शख्स भी हो, वो काम नहीं कर सकता। और मैं आज भी समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड केएमसी के लिए और कराची के लिए तभी हो सकता है जब बल्दिया उज़्मा खुद अपने टैक्सेशन के निज़ाम को एहसन अंदाज से कलेक्शन को यकीनी बनाए। और वो मैंने एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम मुतारफ़ कराया, कानून के मुताबिक कराया, तमाम अप्रूवल्स लेने के बाद कराया, जिसके तहत केएमसी साल में वसीम अख्तर साहब के ज़माने में 16 करोड़ रुपये इकट्ठा करती थी ऑफिशियली। मैंने जो निज़ाम मुतारफ़ कराया था वो 3.5 अरब रुपये मुतारफ़ हो रहे थे। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में 5,000 टैक्स था, वो मैंने कम करके 50 रुपये कर दिया। सिर्फ टैक्स बेस को मैंने बढ़ाया और निज़ाम के अंदर चोरी जो थी उसको मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, लीकेज को मैंने रोक दिया। मैं बड़ा खुश था, मैंने कहा कि मेरी तारीख मुझे याद करेगी कि मैंने वो निज़ाम मुतारफ़ किया जो कि KMC को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। अब नेचुरली जो लोग पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, उसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि पैरों पर खड़ी हो, क्योंकि अगर वो पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे सूबाई हुकूमत पे। हाँ। उन्हें तनकीद करनी शुरू की, तनकीद तनकीद तनकीद, आखिर में मामला अदालत पे पहुंचा और अदालत ने बदकिस्मती के साथ उस मामले में इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करते हुए उस मामले को रोक दिया।